लेना चाहता हूँ अविनाश जी से, क्योंकि बजाज फाइनेंस में कल एक जीएसटी नोटिस आया था। हालांकि जीएसटी नोटिस की साइज बड़ी नहीं, कि बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है इसमें, इसको लेकर बड़ा टॉक ऑफ द टाउन हो रहा है कि ये जो भी लोन की एप्लीकेशंस होते हैं उसे प्रोसेस करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, एक फिक्स जी चार्ज होता है, लेकिन उसे ये एज एन इंटरेस्ट दिखाते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा अगर इंटरेस्ट हम पे इस पर जीएसटी लगाएंगे, करेक्ट ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस पे तो नहीं लगती, करेक्ट लेकिन इस पे तो इनका केस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ये थोड़ी नेगेटिव खबर है, इसको देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक बार जरा इस पर अविनाश जी से राय ली जाए। अविनाश जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, और साथ ही बजाज फाइनेंस? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी देखिए, बजाज फाइनेंस में मूवमेंट थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे ये न्यूज है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। देखिए, बजाज फाइनेंस जिस प्रकार से ग्रो कर रहा था, अभी अगर नतीजे भी देखे तो नतीजे इतने इंप्रेसिव नहीं थे, और मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में तो कॉम्पिटिशन और बढ़ेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर जैसे जियो फाइनेंस उनके ही बिजनेस वर्टिकल में एंटर कर रहे हैं। रही बात ये जीएसटी का मुद्दा को लेके, अगर ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट है वो मेरे ख्याल से नॉट ओनली 1 साल बट 2-3 साल का अगर ये थोड़ा सा इंक्वायरी बिठाते हैं तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये मैटर इतना उछाला नहीं है, बट अगर यहाँ पे कोई दिक्कतें कंपनी को फेस करनी पड़ी तो डेफिनेटली सेंटिमेंट काफी खराब होगा। मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम फ्रेश बाइंग तो सजेस्ट नहीं करेंगे, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। बट डेफिनेटली जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको पिछले 2-3 साल में देखने को मिला था वो शायद आने वाले 1-2 साल में नहीं रहेगा, क्योंकि बेस भी बड़ा है और कंपटीशन भी मार्केट में काफी बड़ा है। तो ये एक होल्ड रहेगा, फ्रेश बाइंग नॉट एडवाइजेबल। फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, यह है बजाज फाइनेंस पर।